हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद बिलाल अशरफ। और आज जो हम करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का, 2D सेंट्रीफ्यूगल पंप का। सबसे पहले हमें तो ज़रूरत होगी ज्योमेट्री की। मेरे सामने आपके आपकी विंडो में नज़र आ रहा होगा एक विंडो खुली हुई है सॉलिड वर्क्स की। मैं यहाँ पर ज्योमेट्री बनाऊँगा और इम्पोर्ट कराऊंगा एनसिस पर। ज़्यादा मुश्किल ज्योमेट्री नहीं है, आप इस ज्योमेट्री को ऑटोकैड पे भी बना सकते हैं और जो भी सॉफ्टवेयर है आपके पास उस पर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस ज्योमेट्री का आप देखेंगे कि कोई काम नहीं है हमारे एनसिस पर। सिर्फ़ और सिर्फ ये मैं बना रहा हूँ फॉर माई सेकेंडरी पर्पज़। प्राइमरी पर्पज़ हमारा इसको डिलीट कराना होगा। देखते हैं कि किस तरह हम इसको स्केच करते हैं। सबसे पहले स्केच, फ्रंट प्लेन पर स्केच ले लिया और यहाँ से इसके चेंज कर दिए आपने मिलीमीटर के अंदर। ठीक है, वापसी इसको स्केच ले लें। सर्कल को दो सर्कल बना लें, एक इनलेट का और एक आउटलेट का। ये इम्पेलर की ज्योमेट्री बना रहा हूँ, इम्पेलर और डिफ्यूज़र की भी ज्योमेट्री इसी के साथ मैं बनाऊँगा। किस तरह मैं बना रहा हूँ देखते जाइए। स्प्लाइन ओ नहीं, अभी डायमेंशन को ले लेते हैं। डायमेंशन को हम सेलेक्ट करके इस पर डायमेंशन दे देते हैं, जो कि डायमेंशन है हमारे पास 200 मिलीमीटर। 200 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन हमारे पास है 360 मिलीमीटर। ठीक है, हमारे पास ये दोनों। अब हमने कैलकुलेशन की मदद से इसके एंगल्स निकालने हैं, इम्पेलर के एंगल्स। अब वो इम्पेलर के एंगल्स कौन से वाले होते हैं? बीटा एंगल्स जो होते हैं वो इम्पेलर के एंगल होते हैं, इम्पेलर के ब्लेड के एंगल। तो हमने कैलकुलेशन करके जो इम्पेलर के एंगल निकाले मैं उन्हीं को यूज़ करूँगा। सिंपल इसको इस तरह छोड़ दें और इस्केप की दबा दें। इस्केप की दबाने के बाद आप इसको करा दें ट्रिम। ट्रिम कराने के बाद आपने इसको देने हैं एंगल्स। लाइन सेलेक्ट करके सिंपल स्ट्रेट लाइन एक दे दें जो कि टेंजेंट होगी हमारे इनर सर्कल पर, और एक आपने लाइन देनी है इस तरह करके जो कि हमारे टेंजेंट होगी इस स्प्लाइन पर। तो टेंजेंट किस तरह होगी? इस लाइन को सेलेक्ट करें, फिर इस लाइन को सेलेक्ट करें। दोनों लाइन को सेलेक्ट करने के बाद टेंजेंट इसके अंदर कॉन्स्टेंट दे दें, तो ये टेंजेंट आपके पास आ गए। ठीक है, अब आपने जाना है एक और लाइन को सेलेक्ट करना है। एक लाइन को लेना है आपने यूं, जो कि हमारे इस सर्कल पर, आउटर सर्कल पर टेंजेंट होगी, और दूसरी लाइन को लेना है जो कि हमारे स्प्लाइन पर टेंजेंट होगी। तो अभी ये बता नहीं रहा कि टेंजेंट है या नहीं, लेकिन ये यहाँ पर बता रहा है कि ये इसके टेंजेंट है। इसको भी टेंजेंट कर लेते हैं, टेंजेंट। ठीक है, ये हो गई हमारी टेंजेंट। अच्छा, अब इसको और इसको शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट करना है और दोनों को टेंजेंट करना है। फिर इसको और आउटर सर्कल को प्रेस करके टेंजेंट हमें करना है। ये हमारे बन गए हैं एंगल्स की इनिशियल कंडीशन। अब हमें देनी है इसको एंगल्स। किस तरह देंगे? इस लाइन को सेलेक्ट करें एंड देन इस लाइन को सेलेक्ट करें, और मेरे पास जो एंगल है 10.42 डिग्री। मैंने इसको इस तरह करके एंगल दे दी। एक मेरे पास यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन के ज़रिए मैं यहाँ पर भी एक एंगल दे देता हूँ। मेरे पास यहाँ है 2.02 डिग्री, मैंने यहाँ पर भी एंगल दे दिया। इस तरह की हमारे पास ज्योमेट्री बनी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको सेट भी कर सकता हूँ इन्हीं एंगल्स पर। देखें, अगर मैं चाह रहा हूँ तो इनको इस पर सेट भी कर सकता हूँ, जिस तरह भी आप चाहें। जो आप इसको शेप देना चाहें स्प्लाइन को, उस तरह का शेप आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए, ये हमारे पास एक ब्लेड की एंगल्स डेवलप्ड हो गए। अब हमें चाहिए
पांच वेन, यानी फाइव वेन्स हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल जाके सर्कुलर पैटर्न पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे फाइव। तो ये हमारे पास पांच वेन्स आ गए, ओके कर देंगे। और देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी इनिशियल कंडीशन बनती हुई नज़र आ रही है। अब हम बनाएंगे इंपेलर तो बन गया हमारा, अब हम बनाएंगे हम डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र के लिए भी दो सर्कल हम सेलेक्ट करेंगे उसी तरह से स्मार्ट डायमेंशन के ज़रिए। ये हमारे पास है 365 मिलीमीटर, 365 मिलीमीटर। सो हमने इसको 365 मिलीमीटर असाइन कर दिया। और हमारे पास ये है 405 मिलीमीटर, सो हमने इसको भी कर दी। तो अब हम जाएंगे दोबारा स्प्लाइन की जानिब। इस पॉइंट तक हम एक हमारा स्प्लाइन तैयार करेंगे। सो देखें किस तरह की कंडीशन है। सबसे पहले हम करेंगे इसको ट्रिम। ट्रिम करेंगे इसको, यहाँ से ट्रिम हो गया। अब हम इसके एंगल्स को डेवलप करेंगे, एक एंगल एक ये और एक ये। सो इसको सेलेक्ट कर कर और इसको सेलेक्ट कर कर हम इसको ऊपर टेंजेंट दे देंगे और इसको सेलेक्ट कर कर और इसको सेलेक्ट कर कर हम इस इधर भी टेंजेंट दे देंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पर एंगल्स गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन के ज़रिए अपने एंगल्स को एंगल्स यहाँ पर हमारे पास हैं 20 डिग्री। कितना? 20 डिग्री। सो हमारे पास ये कंडीशन बनती है नज़र आ गई। और फिर हम जाएंगे अपने इस जानिब, यहाँ पर हम एंगल्स देना शुरू करेंगे। इस वाली स्प्लाइन लाइन को इस वाली से हम करेंगे टेंजेंट। क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ आ गई थोड़ी सी। इसको करेंगे इसके साथ टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट हो गया। इसको करेंगे इसके साथ टेंजेंट, ये हो गया हमारा इसके साथ टेंजेंट, ठीक है। और हमें हमारे पास जो एंगल है यहाँ पर वो है 60 डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और इन दोनों को एंगल दे देंगे। यहाँ पर हमारे पास 17 डिग्री का एंगल है। सो देखें हमारे पास यहाँ पर भी एंगल्स बनते हुए नज़र आ गए। अब हम करेंगे क्या, सिंपल एस्केप दबाएंगे, सारी चीज़ों को डिलीट क्लियर कर देंगे एंड देन यहाँ पर जाके सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक कर कर एट वेन्स आ जाएंगे हमारे पास, जो कि आ गए हैं। करेंगे सेलेक्ट, ओके। हमारे पास ये वेन्स की शक्ल बनती हुई नज़र आ गई। अब हमें करना क्या, सिंपल एक्सट्रूड करवाना है।
सो दैट वी कैन ऑर्गेन वी कैन फॉर्म इट एज अ सॉलिड बॉडी. हम इसको सॉलिड बॉडी बना देंगे. ये हमारे पास सॉलिड बनती बॉडी बनती हुई नज़र आ रही है हमें. अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई. यहाँ पर ये अच्छा, अब यहाँ पर जाके थिन फीचर में जाके इसको इतना थिन कर देंगे कि ये बहुत ज़्यादा अजीब सी कंडीशन बन रही थी, इस वजह से मैंने इसको थिन करा दिया और इसको हमने एक्सट्रूड करा दिया. ये हमारे पास डिफ्यूज़र के वेन्स बनते हुए नज़र आ गए. ठीक है, इसी तरह जाएंगे स्केच पर, एडिट स्केच करेंगे और यहाँ पर जाके इन वेन्स को भी हमें क्या कराना है, एक्सट्रूड कराना है. ठीक है, इन वेन्स को भी हम एक्सट्रूड करा देंगे. तो हमारे पास वेन्स भी बनते हुए नज़र आ देंगे. सो अब क्या करेंगे कि हमारे पास इस तरह के वेन्स बनते हुए नज़र आ जाएंगे. अब करना क्या है, सिंपल हमें ये करना है कि इन वेन्स को कराना है हमें एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट कराने के लिए यहाँ पर एक तरीका होता है. यहाँ जाके आप करेंगे इसको एक्सपोर्ट करेंगे किस में, इसमें करेंगे STP फाइल में करेंगे या फिर IGS फाइल में करेंगे. इसके अलावा कोई फॉर्मेट चलता नहीं है. तो आपने करना है IGS फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर दें या फिर STP फाइल में कर दें, दोनों में से जो सूटेबल लगे. उसको नाम दे दें, उसको कुछ भी नाम दे दें, इम्पेलर डिफ्यूज़र करके इसको नाम दे दें, सेव करा दें और ये हमारे पास इसकी बन जाएगी ज्योमेट्री. अब हम इसको कराएंगे इम्पोर्ट कराएंगे किस पर, एनसिस पर. सो अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह. जुड़े रहिए.